नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। विधानसभा सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी 403 सीटों के साथ विधानसभा का चुनाव जीतना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन साल 2017 में बीजेपी ने ये कर दिखाया और सीएम की कुर्सी पर बैठाया पिछले कई साल से गोरखपुर को संभाल रहे योगी आदित्यनाथ को। इन चुनावों में बीजेपी ने 324 सीटें हासिल की, जिसमें से 311 सीटें बीजेपी ने अपने अकेले के दम पर जीती थी और 9 सीटें थी अपना दल की। फिर सुहेल देव समाज पार्टी ने भी बीजेपी को अपना समर्थन दिया, जिनके हिस्से में 4 सीटें आई थी। तो ऐसे बीजेपी को 324 सीटें हासिल हुई थी, जो कि यूपी में बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। यहां पर जनता ने ना तो यूपी के लड़कों का साथ पसंद किया, जिसमें एक लड़का राहुल गांधी थे तो दूसरा लड़का अखिलेश यादव थे। इन दोनों के साथ को पसंद करने वाले नारे यूपी को ये साथ पसंद है को यूपी की जनता ने नकार दिया था। फिर अखिलेश की सरकार में हुए काम को भी जो नारा दिया गया था कि काम बोलता है को भी यूपी ने खारिज कर दिया और सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंप दी। लेकिन अब जब 2022 में फिर एक बार यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो अखिलेश यादव फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अब तो उन्होंने थोड़ी नहीं बल्कि पूरी 351 सीटें जीतने का दावा कर दिया है और उसके पीछे एक कहानी भी सुनाई है। कहानी के मुताबिक अखिलेश यादव एक फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे, जहां पर उनकी सीट के बगल में आकर एक शख्स बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अखिलेश की तरफ देखा तो अखिलेश ने तुरंत उन्हें प्रणाम कर दिया। उन्होंने अखिलेश को उनका हाथ बढ़ाने के लिए कहा तो अखिलेश को थोड़ा संकोच हुआ। फिर जब अखिलेश ने अपना दाहिना हाथ उनके आगे किया तो देखा कि अखिलेश ना तो कोई अंगूठी पहनते हैं और ना ही कोई कड़ा। अखिलेश के मुताबिक उनका हाथ देखकर उनके पास बैठे शख्स ने कह दिया कि इस बार यूपी में आपकी सरकार बनने जा रही है। मेहनत करके अखिलेश के 350 सीटें जीतने की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, जिस पर अखिलेश ने कहा कि वो 350 नहीं बल्कि 350 से एक ज्यादा इस बार के चुनाव में 351 सीटों के साथ जीत दर्ज करेंगे। तो अखिलेश को उम्मीद है कि वो राज्य में योगी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 351 सीटों के साथ विजय घोषित किए जाएंगे। इसके बाद रविवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश ने योगी सरकार के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि अगर बीजेपी झूठ फैलाकर 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है तो ईमानदारी से मेहनत करके हम 351 सीटें जीत सकते हैं। हम इसे जरूर हासिल करेंगे। 2022 में साइकिल चलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है कि बीजेपी के किसी कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और घर के आसपास इंटेलिजेंस के लोगों को भेजना छोड़ दें। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान किए कामकाज को भी याद दिलाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान हासिल की उपलब्धियों को सभी के सामने रखा। अब उस शख्स की बात में सच्चाई है या फिर अखिलेश के दावों में मजबूती है या फिर योगी का ही टाइम लौट कर आना है, इसके लिए अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने समय रहते ही अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब 2022 के चुनाव में होगा क्या, वो तो तभी पता चल पाएगा।